मायसेल्फ डॉक्टर अल्पना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, JTB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है कॉटन फाइबर्स। हम सभी को मालूम है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। फाइबर्स क्या हैं? फाइबर्स जो हैं फाइबर सेल्स से प्राप्त होते हैं। फाइबर सेल्स मेनली स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं, थिक वॉल्ड डेड सेल्स होती हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। इनकी सेल्स लंबी और इनकी स्मॉल कैविटी होती है क्योंकि वॉल की थिकनिंग के कारण इनका जो ल्यूमेन है वो बहुत छोटा होता है और पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ये केवल वुड में ही नहीं पाए जाते बल्कि ये फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में और पेरिसाइकिल में भी डेवलप हो सकते हैं। फाइबर्स की सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है लेकिन कई बार हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन और दूसरे सब्सटेंसेस की भी बनी हो सकती है। इन फाइबर्स की जो स्ट्रेंथ है या ड्यूरेबिलिटी है वो सेल्यूलोज के कारण होती है। कॉटन एक टेक्सटाइल फाइबर है यानी जो कपड़ा बनाने के काम आते हैं। टेक्सटाइल फाइबर्स लंबे, यूनिफॉर्म, एक जैसे, ड्यूरेबल होते हैं, रिलायबल विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उनको जैसे खींचते हैं तो वो टूटेंगे नहीं, एंड कोहेसिवनेस, आपस में मिल करके अच्छे से अटैच हो जाते हैं। कॉटन का बॉटनिकल नेम गॉसिपियम है, गॉसिपियम स्पीशीज जो कि फैमिली मालवेसी में आता है। इसका कॉमन नेम कपास है और इस प्लांट का मल्टीपल ओरिजिन बताया गया है। इसकी जो अलग अलग स्पीशीज है उनका ओरिजिन अलग अलग है। कॉटन को इंडिया में 1800 BC से यूज़ किया जा रहा है और 1500 BC से लेकर 1500 AD में जो इंडिया है यहाँ पर बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्री हुआ करती थी। इंडिया कॉटन इंडस्ट्री का मेन पॉइंट था। यहाँ आप कॉटन प्लांट देख रहे हैं, फ्लावर मालवेसी फैमिली का है, सीड से लगे हुए कॉटन फाइबर्स। प्लांट के बॉटनिकल करेक्टर्स इस तरह से हैं, ये एक एनुअल यानी एक वर्षीय या पेरिनियल बहुवर्षीय श्रब होता है या फिर स्मॉल ट्री भी कह सकते हैं जिसकी हाइट 2 to 6 feet होती है। इसकी लीव्स स्टिप्यूलेट होती हैं, पामेटली लोब्ड होती हैं। स्टिप्यूल्स पाया जाता है लीफ में, पामेटली लोब्ड होती हैं, हस्ताकार होती हैं, सिंपल पामेट लीव्स होती हैं। फ्लावर्स सॉलिटरी होते हैं। इनके फ्रूट्स को बॉल्स या कैप्सूल कहते हैं जिनमें 3 to 5 लॉक्यूल्स हो सकते हैं। हर एक लॉक्यूल में लगभग 9 सीड्स होते हैं। इनके सीड्स हेयरी होते हैं। इन पर दो तरह के हेयर्स पाए जाते हैं, एक तो होते हैं लंबे थिक ब्राइट या क्रीम कलर के हेयर्स जिनको लिंट कहते हैं और एक छोटे हेयर्स होते हैं जो कि वाइट या कलर्ड हो सकते हैं, उनको फज कहते हैं। मेन जो कॉमर्शियल यूज़ के फाइबर हैं वो लिंट होते हैं। इसके बाद है क्लाइमेट एंड सॉयल। कॉटन को किस तरह की क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है और किस तरह की सॉयल होनी चाहिए, तो ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि ऐसे एरिया में ग्रो होती है जहाँ पर रेनफॉल 30 inches से लेकर के 100 inches से ऊपर तक हो सकता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे 43 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन 21 डिग्री सेल्सियस से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कॉटन को ब्लैक कॉटन सॉयल, मीडियम ब्लैक सॉयल या रेड सॉयल, लेटरेटिक सॉयल या इंडोगैंगेटिक एल्यूवियम में उगाया जाता है। कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। कॉटन का कल्टीवेशन वेरी करता है, डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट तरीके से होगा। जिस तरह की वैरायटी होगी, क्लाइमेट होगी या सॉयल होगी, उस पर डिपेंड करता है। जब इसके फ्रूट मैच्योर हो जाते हैं, बॉल जिन्हें कहते हैं, तब उसके बाद कॉटन की हार्वेस्टिंग होती है। उसको काटा जाता है 3 या 4 बार में, फील्ड में ही फ्रूट से कॉटन रिमूव कर ली जाती है। टाइप्स ऑफ कॉटन। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर और क्रोमोसोम नंबर के आधार पर इस जीनस को 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कल्टीवेटेड कॉटन ऑफ ओल्ड वर्ल्ड जिसका n इज इक्वल टू 13 है, कल्टीवेटेड कॉटन ऑफ न्यू वर्ल्ड n इज इक्वल टू 26, वाइल्ड कॉटन ऑफ ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड n इज इक्वल टू 13, वाइल्ड कॉटन ऑफ पॉलिनेशिया n इज इक्वल टू 12।
26। यहाँ कॉटन का फ्लावर देख रहे हैं, मालवेसी फैमिली का है, तो मोनोएडल्फस कंडीशन, लार्ज नंबर ऑफ स्टैमंस, उनके फिलामेंट्स यूनाइट होकर के एक स्टैमिनल ट्यूब बनाते हैं, पेंटामेरस फ्लावर होता है, और पामेट लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं हाथ के आकार की। फ्रूट्स मेच्योर होने पर और सीड्स, सीड्स जिनके ऊपर फाइबर्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर ये कॉटन सीड्स आप देख सकते हैं, इनके सीड लगभग 3x8 इंच लंबे और 3x16 इंच वाइड होते हैं। इनके ऊपर सॉफ्ट व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं। कई बार सीड्स ब्लैक भी दिखाई देते जिनके ऊपर फाइबर्स नहीं होते। कल्टीवेटेड कॉटन को दो ग्रुप्स में बांटा गया है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन एंड न्यू वर्ल्ड कॉटन। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में गॉसिपियम आर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेसियम, न्यू वर्ल्ड कॉटन है गॉसिपियम हिर्सुटम एंड गॉसिपियम बारबेडेंस। गॉसिपियम आर्बोरियम ये एशियन या अफ्रीकन ओरिजिन का है, ये बहुवर्षीय या एक वर्षीय श्रब है। इसकी हाइट 2 to 10 feet होती है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो पर्पल, रेड, येलो या वाइट हो सकते हैं। जो इनकी बॉल्स हैं, फ्रूट जो हैं, वो टेपरिंग एंड और बहुत अधिक पिटेड होते हैं। एक लॉक्यूल में 17 seeds पाए जाते हैं। ये वन्ना में अफ्रीका से अरेबिया, इंडिया से चाइना, जापान, ईस्ट इंडीज सभी जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गॉसिपियम हर्बेसियम। गॉसिपियम हर्बेसियम ये शायद अफ्रीकन ओरिजिन का है। ये मजबूत होते हैं और इसकी हाइट 2 to 8 feet हो सकती है। फ्लावर्स इसके मीडियम साइज के होते हैं, जिसका सेंटर पर्पल होता है। कैप्सूल राउंडेड होते हैं। बहुत रेयर केस में इनमें प्रोमिनेंट शोल्डर्स होते हैं और जो पॉइंटेड एंड है वो स्मूथ होता है। इसके साथ ही कुछ ऑयल ग्लैंड्स इसमें पाई जाती हैं। जब मेच्योर होता है तो ये बहुत स्लाइटली ओपन होता है। फ्रूट पूरी तरीके से ओपन नहीं होता, राइप होने पर थोड़ा सा ही खुलता है। ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न इंडिया, बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान एंड रशियन टर्किस्तान में पाया जाता है। गॉसिपियम हिर्सुटम, इसका ओरिजिन शायद ग्वाटेमाला या सदर्न मैक्सिको है। ये पेरिनियल यानी बहुवर्षीय या एक वर्षीय श्रब है। इसकी हाइट 3 to 15 feet है। इसके कैप्सूल में 3 to 5 लॉक्यूल्स होते हैं। उनमें बहुत कम और बहुत छोटी ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। गॉसिपियम बारबेडेंस, ऐसा माना गया है कि इसका जो नेटिव प्लेस है वो ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, ब्राजील है। ये बहुवर्षीय श्रब है जिसकी हाइट लगभग 9 feet होती है। इनकी जो बॉल्स है वो लंबी, टेपरिंग, नुकीली, शाइनी, डार्क ग्रीन और बहुत अधिक ऑयल ग्लैंड्स वाली होती हैं। फ्रूट में 3 to 5 लॉक्यूल्स होते हैं। सी आइलैंड कॉटन, इसको सी आइलैंड कॉटन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्पीशीज जो है अपने सेंटर ऑफ ओरिजिन से वेस्ट इंडीज के आइलैंड तक स्प्रेड हो गई। ये सबसे अधिक ग्रो की जाती है वेस्ट इंडीज में और साउथ अमेरिका में। इससे फाइन क्वालिटी के लिंट मिलते हैं। वर्ल्ड की जो फाइन क्वालिटी होती है लिंट की, वो इस सी आइलैंड कॉटन से प्राप्त की जाती है। ये फाइन, मजबूत, लाइट क्रीम कलर के फाइबर हैं जो कि रेगुलर और यूनिफॉर्म होते हैं और सिल्की दिखाई देते हैं। इनकी लेंथ 2 inches से भी ज्यादा होती है। इजिप्शियन कॉटन, ये गॉसिपियम बारबेडेंस और एक वर्षीय सी आइलैंड कॉटन से डराइव हुई है। ये इजिप्ट की नाइल वैली और सूडान में ग्रो की जाती है। ये भी बिल्कुल सी आइलैंड के समान ही है, लेकिन इसके फाइबर थोड़े छोटे और ब्राउन कलर के होते हैं। इसके बाद है प्रोसेसिंग,
यानी जो फाइबर है वो एज इट इज यूज नहीं किए जाते, बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू इसको फाइबर बनाया जाता है, एक लंबे प्रोसेस के बाद इनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है गिनिंग, इसमें लिंट और फज को रिमूव किया जाता है सॉ टूथ गिन से या रोलर गिन से। सेकेंड प्रोसेस है बेलिंग, इसमें जो लिंट, जो लंबे वाले फाइबर्स होते हैं, लिंट हेयर्स जो होते हैं, उनको बंडल में पैक किया जाता है और मिल्स में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है पिकिंग, जो मिल्स में आए हुए फाइबर्स हैं उनको पीटा जाता है ताकि जो फाइबर्स हैं वो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं या जो भी डस्ट वगैरह है, गंदगी है, कुछ दूसरे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं क्रॉप के, तो वो सब अलग हो जाएं। नेक्स्ट है लैपिंग, इसमें तीन लेयर्स को कंबाइन किया जाता है और उसको एक बनाया जाता है। कार्डिंग, कॉम्बिंग एंड ड्रॉइंग, इसको अच्छी तरीके से कॉम्ब किया जाता है। कार्डिंग में शॉर्ट फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको सीधा किया जाता है, इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है ट्विस्टिंग, इसके बाद फाइबर्स की ट्विस्टिंग की जाती है, उनको मतलब ट्विस्ट किया जाता है, मरोड़ा जाता है ताकि एक यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट थ्रेड बन जाए। 70% कॉटन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से बनकर आती है। नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब मेन कॉटन ग्रोइंग स्टेट है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कॉटन का कल्टीवेशन होता है, सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। कॉटन का पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन होता है, 1818 में सबसे पहले शुरुआत हुई थी, फर्स्ट कॉटन मिल जो है एस्टैब्लिश हुई थी फोर्ट क्लस्टर नियर कैलकटा। नाना भाई डाबर द्वारा कॉटन की फर्स्ट फैक्ट्री बॉम्बे में ओपन हुई थी। प्रोडक्शन एंड वर्ल्ड मार्केट, 1975 में कॉटन का जो वर्ल्ड प्रोडक्शन था 136 लाख मेट्रिक टन था, उसके बाद यूएसएसआर, यूएसए, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे यहाँ मेनली जापान, ग्रेट ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड इटली द्वारा कॉटन मंगवाई जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कॉटन जो बोल्स हैं वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं, उनके फाइबर बना करके कुशन, टॉवल, रजाइयाँ, बेडशीट्स, क्लोथ्स, थ्रेड्स और मेडिकल यूज के लिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूज कॉटन के होते हैं। तो अधिकतर मेनली जो यूज होती है फैब्रिक्स बनाने में, कपड़े बनाने में, या तो सिंगल अकेले कॉटन से ही बनते हैं, प्योर कॉटन के होते हैं, या फिर किसी कॉम्बिनेशन के साथ इसके फैब्रिक बनाए जाते हैं। टायर के जो फैब्रिक्स होते हैं, थ्रेड्स बनाने में, कॉर्डेज बनाने में, पेपर मेकिंग, इनमें काम आते हैं। इसके अलावा जो मर्सराइज्ड कॉटन है उसको बनाया जाता है, इसमें क्या करते हैं कि कास्टिक सोडा से इन फाइबर्स को ट्रीट करते हैं, जिसके कारण उसमें बहुत अधिक चमक आ जाती है, सिल्की अपीयरेंस, सिल्क जैसा स्मूथ हो जाता है, तो उसे कहते हैं मर्सराइज्ड कॉटन। जो रॉ कॉटन है जिसको थ्रेड में नहीं बदला जाता, उसको मैट्रेसेस, रजाई गद्दे भरने में, स्टफिंग पर्पस में उसको यूज करते हैं। इसके अलावा जो एब्जॉर्बेंट कॉटन बनाई जाती है उसके लिए इसकी जो ऑयली कवरिंग होती है उसको पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है, तभी एब्जॉर्बेंट कॉटन बन पाती है। इसके अलावा कॉटन का यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल की तरीके से प्लास्टिक बनाने में, रेयन बनाने में, और जो एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ विस्फोटक पदार्थ बनते हैं वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल की तरह। इसके जो सीट के ऊपर का जो कवर होता है, हल्स कहते हैं जिसको, इसको स्टॉक फीड की तरीके से और फर्टिलाइजर की तरीके से, खाद की तरीके से जानवरों को खिलाने के लिए और ऑयल वेल्स की लाइनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जाइलोज का सोर्स भी है ये, जाइलोज जो कि एक शुगर है, और कॉटन सीड ऑयल भी बनता है, और कॉटन सीड ऑयल निकालने के बाद जो ऑयल केक बचता है
जो ऑयल केक बचता है उसको फर्टिलाइजर की तरीके से, खाद की तरीके से उसको यूज कर लेते हैं और जानवरों को खिलाने के लिए यूज कर लेते हैं। इसके अलावा डाइस्टफ की तरीके से भी यूज किया जाता है। थैंक यू।